Today I'm going to tell you YouTube policies, spam deceptive practice and scam policies, impersonate policies, external link policy, fake engagement policy, additional policy and playlist policy. These six policies you must know to prevent yourself from any scam or any problem with the YouTube monetization. तो YouTube monetization को proper करने के लिए आपको ये सारी policies पता होनी चाहिए, और जिसमें से आज हम पहली वाली ले रहे हैं spam deceptive practice and scam policies, जिसको आप अच्छे से समझ लीजिए, otherwise monetization में problem हो सकती है. spam deceptive practice and scam policies, धीरे चलना, जरा संभल कर, बड़े धोखे हैं इस राह में. अगर आप जरा से भी नहीं समझते हैं और अपने काम को प्रॉपर नहीं करते हैं और आपको पता नहीं होता है रूल्स को, तो आपको स्ट्राइक या क्लेम आ सकता है. और पहले वार्निंग स्ट्राइक आती है और उसके बाद 3 स्ट्राइक आती है, उसके बाद चैनल आपका टर्मिनेट हो जाता है. तो इसको हल्के में मत लीजिएगा, पॉलिसीज़ को अच्छे से समझ लीजिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है. व्हाट दीज पॉलिसी मीन फॉर यू इफ यू आर पोस्टिंग कॉन्टेंट. YouTube doesn't allow spam, scams or other deceptive practice that take advantage of the YouTube community. YouTube कुछ भी ऐसा allow नहीं करती है जो YouTube community को का advantage आप लीजिए और गलत चीज़ें post करिए. Video spam, इसमें सबसे पहले आता video spam, जिसमें आप content तो कुछ और promise करते हैं लेकिन उसकी जगह आप कुछ और show करते हैं. पोस्टिंग सेम कॉन्टेंट रिपीटेडली अक्रॉस वन और मोर चैनल, एक ही वीडियो को आप कई चैनल पर पोस्ट कर देते हैं. मैसिवली अपलोडिंग कॉन्टेंट दैट यू स्क्रैप्ड फ्रॉम अदर क्रिएटर, किसी और क्रिएटर का चीज़ें लेकर के स्क्रैप करके आप पोस्ट कर रहे हैं. ट्राइंग टू गेट व्यूअर्स टू इंस्टॉल हार्मफुल सॉफ्टवेयर और डायरेक्टिंग देम टू द साइट दैट माइट कॉम्प्रोमाइज देयर प्राइवेसी. अब आप कोई हार्मफुल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने को बता देते हैं और ऐसी साइट पे भेज देते हैं जहाँ से आपकी प्राइवेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. अच्छा, आप स्क्रैप जो करते हैं दूसरों का सामान, वो उसमें पिक्चर, म्यूजिक, वीडियो, कुछ क्लिप, कुछ भी आ सकती है, तो आप उसको स्क्रैप करके मत लाइए. कोई सजेस्ट भी करे कि दूसरे का वीडियो ऐसे कर लीजिए, दूसरे का पिक्चर ऐसे कर लीजिए, तो भी मत करिए, क्योंकि उससे आपको स्ट्राइक पड़ सकती है. ऑटो जनरेटेड कंटेंट, अब अपने से जो जनरेट होता है कंटेंट, वो अगर आप बार बार कर रहे हैं तो वो भी प्रॉब्लम कर देगा. प्रॉमिसिंग मनी, प्रोडक्ट, सॉफ्टवेयर और गेमिंग पर्क्स फॉर फ्री, आप किसी को पैसा देकर उसको फ्री में सॉफ्टवेयर देकर या गेमिंग पर्क्स देकर आप व्यू को बढ़ाना चाहते हैं, इंस्टॉल कराना चाहते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर को फ्री में, और डाउनलोड को ऐप करने के लिए पोस्ट करते हैं. परफॉर्म अदर टास्क या किसी और काम को करने को कहते हैं, तो ये भी यूट्यूब कम्युनिटी के खिलाफ है. मैसिवली पोस्टिंग एफिलिएट कंटेंट इन अ डेडिकेटेड अकाउंट, और किसी से जुड़े हुए कंटेंट को आप अपने साइट पर, अगर एफिलिएटेड प्रोग्राम को अपने साइट पर डालते हैं, तो वो भी स्पैम. तो अगर बहुत से न्यू यूट्यूबर होते हैं जिनको कुछ पता नहीं होता है और वो दूसरों को कहने पर स्क्रैप करके वीडियो, ऑडियो, पिक्चर डाल देते हैं, जो उनके चैनल के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और उसके बाद कोई हेल्प नहीं करता है, तो आप इस रूल्स को जान लीजिए और प्रॉपर वे से काम करिए. मिसलीडिंग मेटा डेटा और थंबनेल, अब आप क्या कर रहे हैं, अंदर वीडियो तो कुछ और बनाया है और उसमें ढेर सारे टैग्स और मेटा डेटा डाल दे रहे हैं, और थंबनेल पे भी अपना जो काम कर रहे हैं वो थंबनेल नहीं बना रहे हैं, क्लिक बेट कर रहे हैं, तो ये सब आपका कम्युनिटी रूल के खिलाफ है. आप किसी सेलिब्रिटी की फोटो अपने थंबनेल पे यूज कर रहे हैं. प्लेसिंग एक्सेसिव टैग इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन, जितना टैग लगाना चाहिए उससे ज़्यादा टैग आप लगा रहे हैं, लोगों का हैशटैग यूज़ करना है, लोगों का टैग अगर यूज़ कर रहे हैं, थंबनेल जो वायरल टैग्स हमको यूज़ कर रहे हैं,
थंबनेल विद अ पिक्चर ऑफ पॉपुलर सेलिब्रिटी, ये भी दिक्कत करेगा. यूजिंग द टाइटल, थंबनेल, डिस्क्रिप्शन और टैग टू ट्रिक यूजर इनटू बिलीविंग द कंटेंट इज समथिंग इट इज नॉट. और ऐसे कंटेंट को थंबनेल कुछ और लगा रहे हैं, कंटेंट कुछ और दे रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. स्कैम इंसेंटिवाइज स्पैम. वीडियो पर पर्पज इज टू एनकरेज अ व्यूअर टू सब्सक्राइब. ऐसा वीडियो बना रहे हैं कि आपका व्यूअर को आप इनकरेज कर रहे हैं कि वो सब्सक्राइब करें, सब फॉर सब करें, वीडियो लाइक्स को सेल करें और वॉच टाइम को सेल करें, सब्सक्राइबर को सेल करें. और अगर कंटेंट नहीं है तो आप ऑफर कर रहे हैं कि 10,000 सब्सक्राइबर आप देंगे बिना कंटेंट के आपका चैनल मोनेटाइज होगा, तो ये सब स्कैम है. कमेंट स्पैम. कमेंट स्पैम भी होता है. कमेंट अबाउट सर्वे और गिव अवे दैट प्रमोट पिरामिड स्कीम्स. अब आप सर्वे कर रहे हैं, गिव अवे कर रहे हैं, तो ये सब भी अगर रूल्स के बिना कर रहे हैं तो वो आपको प्रॉब्लम कर देगा. पे पर क्लिक रेफरल लिंक इन कमेंट. अब आप रेफरल लिंक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जितने बार आप क्लिक करिएगा उतना आपको पेमेंट मिलेगा. कमेंट दैट फॉल्सली क्लेम टू ऑफर फुल वीडियो कंटेंट. दिस टाइप ऑफ कंटेंट कुड बी मूवी, टीवी शो और कॉन्सर्ट. आप फुल वीडियो को देने का प्रॉमिस कर रहे हैं जिसमें मूवी, टीवी शो और कॉन्सर्ट आता है. पोस्टिंग लिंक टू हार्मफुल सॉफ्टवेयर और फिशिंग साइट इन कमेंट. ओ माई गॉड, जस्ट गॉट टन ऑफ बग्स फ्रॉम हेयर, xyzphishingsite.com. किसी आप प्रमोट कर रहे हैं कि फिशिंग साइट पे आदमी जाए जिससे आप उसको कॉम्प्रोमाइज कर पाइए, तो ये सब भी कमेंट में नहीं होना चाहिए. कमेंट विद अ लिंक टू काउंटरफेट स्टोर. अब वो गलत स्टोर पे आप भेज रहे हैं. ए चेक आउट माई चैनल वीडियो हेयर, वेन द चैनल वीडियो हैज नथिंग टू डू विद द वीडियो इट वॉज पोस्टेड इन. अब वहाँ पर आप वीडियो को पोस्ट कर रहेंगे जो जिसको कि उस चैनल से कोई मतलब नहीं है. पोस्टिंग द सेम कमेंट रिपीटेडली विद लिंक टू योर चैनल. और आप लिंक डाल रहे हैं कमेंट में, बार बार एक ही कमेंट कर रहे हैं, तो ये सब कमेंट में स्पैम में आएगा. लाइव स्ट्रीम अब्यूज. यूजिंग योर फोन टू स्ट्रीम अ टेलीविजन शो, थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टू लाइव स्ट्रीम सॉन्ग फ्रॉम द एल्बम. What happens if content violate this policy? If your content violate this policy, YouTube remove the content and send you an email to let you know. In this is your first time violating our community guideline, you will be likely get a warning with no penalty to your channel. If it's not, we say issue a strike against your channel. If you get 3 strikes within 90 days, your channel will be टर्मिनेटेड. और अगर आपको 90 दिन के अंदर 3 स्ट्राइक मिल जाती है तो आपका चैनल टर्मिनेट हो जाता है. फर्स्ट स्ट्राइक मिलने पर आपको 7 दिन काम करने नहीं मिलेगा और बहुत से रूल लागू होंगे. आप स्ट्रीम नहीं कर पाइएगा, आप अपलोड नहीं कर पाइएगा, आप स्ट्राइक लगने पर 7 दिन तक काम नहीं कर पाइएगा. फिर उसके बाद दूसरी स्ट्राइक लगेगी तब और प्रॉब्लम हो जाएगी, 3 महीने तक काम नहीं कर पाइएगा. और 3 स्ट्राइक, इफ यू गेट 3 स्ट्राइक विद इन 90 डेज, योर चैनल विल बी टर्मिनेटेड. सो बी केयरफुल एंड सेव योर चैनल. एंड इफ यू वॉन्ट टू मोनिटाइज योर चैनल, फॉलो ऑल रूल्स ऑफ द YouTube. सो थैंक यू व्यूअर, दिस इज ऑल टूडे. इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब. आप लोग अपने चैनल को बचाइए और YouTube के रूल्स और पॉलिसी को फॉलो कीजिए. किसी के कहने पर कोई भी रूल को डिस्ट्रॉय मत करिए और प्रॉपर वे से काम करिए. धीमे चलिए, लेकिन हो सकता है आपका यूट्यूब चैनल देर से मोनेटाइज हो, लेकिन इन सब प्रॉब्लम से बचा रहे. सो थैंक यू व्यूअर. नेक्स्ट डे हम दूसरा, इसमें 6 रूल्स हमने बताए, नेक्स्ट डे हम दूसरा बताएंगे. और अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा, कम्युनिटी पे जा करके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, पोल्स पे
आंसर दे दीजिएगा। थैंक यू।